हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम दीपक, मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब स्टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि कुमायूं यूनिवर्सिटी से रिलीज किया गया है, और यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर असिस्टेंट लाइब्रेरियन एंड डेप्टी लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पे जो वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको देखने को आपको सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब स्टेलर। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब सेलेक्ट नोटिफिकेशन, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे एसोसिएट प्रोफेसर, चाहे प्रोफेसर या साइंटिस्ट रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती हैं, या कोई भी जो है लाइफ साइंस रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड जो वैकेंसीज आती है, तो उनके बारे में मैं आपके जो वीडियोज़ हैं उन्हें रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका सी एस आई आर हो, डीबीटी जेआरएफ हो, एसएमआर जेआरएफ हो, या आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे बायोलॉजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पे जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन कुमायूं यूनिवर्सिटी से निकाला गया है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो 24 नवंबर से जो है आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि आज से आप जो है इसके लिए एप्लीकेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। तो जैसे आप एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट वो डाउनलोड हो जाएगा, और आप कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे जिसका डाउनलोड इन लाइक एडवर्टाइजमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट है वो 22/11/2021 को यहाँ पे रिलीज़ किया गया है, जहाँ पे एकेडमिक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपको पे लेवल 10 दिया जाएगा, जिसका ग्रेड पे 57,700 to 1,82,400 आएगा अकॉर्डिंग टू 7 सेंट्रल पे कमीशन पे मैट्रिक्स। अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट टीचर अदर अकेडमिक स्टाफ की, तो वो रहेगा आपका जो है यूजीसी के रूल के अकॉर्डिंग रहेगा। और यहाँ पे देखिए इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको जो इसका प्रिंट आउट लेना है, उसके बाद आपको अपना रिक्वायर्ड है रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जैसे एलिजिबिलिटी, वो सारा जो है आपको लेके सेंड कर देना है रजिस्ट्रार कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल, स्लीपी हॉलो मल्लीताल, नैनीताल उत्तराखंड 26030001 बाई 5 जनवरी। तो यहाँ पे जो है हार्ड कॉपी पहुँचने की जो लास्ट डेट है वो 5/5 जनवरी है, ठीक है। इसके अलावा आपको एनवलप पे मेंशन करना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो डेट ऑफ अपलोडिंग ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 24 नवंबर, लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 23 दिसंबर, और जो लास्ट डेट है आपकी हार्ड कॉपी जो है वो रीच करने की वो है 5 जनवरी 2022, ठीक है। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज भी मेंशन कर रखी हैं, तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं। अगर आप जिस भी सब्जेक्ट में एलिजिबल हो तो आप उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे उसी के लिए अप्लाई करिए। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट डिपार्टमेंट मेंशन कर रखे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, और यहाँ पे इन्होंने जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे टोटल इन्होंने निकाली, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी वो 47 मिलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिनमें 22 जनरल रहेगी, 4 आपका एससी, 5 ST, 11 OBC और आपका 5 WEWS कैटेगरी की रहेगी। तो टोटल यहाँ पे 47 जो है आपकी वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अब आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री या PhD डिग्री है तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पे वैकेंसीज बता दी कि किसमें कितनी वैकेंसीज हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पे इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है लाइक W, तो यहाँ पे जो है ये W वुमेन के लिए वैकेंसीज है, तो आप ये देख लीजिएगा कि अगर यहाँ पे W मेंशन कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल बॉटनी में देखिए जनरल में 1 है W, तो इसका वुमेन की वैकेंसी, 1 OBC वुमेन की वैकेंसी है, 1 EWS तो यहाँ पे भी 1 वुमेन की वैकेंसी है, और यहाँ पे 1 जो है वो जनरल वैकेंसी है चाहे वो मेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मैंसन करा कि तो आपकी टोटल जो 4 वैकेंसीज आएंगी उसमें 3 आपकी जो है वुमेंस रिजर्व कैटेगरी वुमेंस जो है उनके लिए रिजर्व है, और एक में जो है आप इस यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप देख लीजिए अप्लाई करने से पहले। तो इसके अलावा हम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट में आपका जो है लाइक UGC के रूल्स के अकॉर्डिंग जो है आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो उसका पूरा PDF आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो है जनरल लाइक जो इंस्ट्रक्शंस वो इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखे हैं, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से बेटर लाइक पहले, ताकि आपको कोई भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ना हो। वैसे एसोसिएट प्रोफेसर में भी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं।
तो यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आई थिंक इन्होंने जो है पूरा डिटेल में बता रखा है। तो यहाँ पर भी जो है आपका जो लाइक एलिजिबिलिटी रहेगी वो आपका एज पर यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग रहेगी। आपका यहाँ पे पे लेवल जो है वो 13A हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1,31,400 टू 2,17,100 रुपीज़ का जो है अकॉर्डिंग टू सेवन सेंट्रल पे कमीशन जो है आपको यहाँ पे पे ग्रेड दिया जाएगा। यहाँ पर भी जो लास्ट डेट स्टार्टिंग डेट सारा सेम है, ठीक है। सेम यहाँ पे वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पे वैकेंसीज भी जो है आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज भी सिमिलर दे रखी है। तो यहाँ पे 15 टोटल जो है वैकेंसीज वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। सिमिलरली जो है आप यहाँ पे लाइक प्रोफेसर के लिए भी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, आई थिंक उसका भी सेम होगा। बस आपका जो पे लेवल है ग्रेड लाइक आपका जो सैलरी रहेगा वो आपका यहाँ पे चेंज रहेगा। तो यहाँ पे आई थिंक मे बी आपको अकेडमिक पे लेवल 14 का यहाँ पे जो है आपको लाइक ग्रेड पे दिया जाएगा। तो आपका 1,44,200 2,18,200 जो है आपका सेवन सेंट्रल पे कमीशन आपका जो है यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर भी डेट जो है आपको सेम देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की या पोस्ट वाइज वैकेंसीज की, तो आपकी वो भी जो है अकॉर्डिंग टू यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे आप किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट या प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने वैकेंसीज मैंशन कर रखी, तो टोटल यहाँ पे 10 वैकेंसीज हैं प्रोफेसर के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप इसके लिए जो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।